अब हमें जुगाड़ छोड़ना होगा। Yes. हम खुद रिस्पॉन्सिबल है कि ये हमारे साथ हो रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हम कुछ नहीं करते, हम कोई और रास्ता निकाल लेते। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ये जुगाड़ का जो काम है ना, ये बंद होना चाहिए और जो एक्चुअल काम है, सही काम है, वो होना चाहिए, जो हो, जिसके लिए हम पैसे देते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो हम लोगों ने सबने ये तय कर लेना है, जब तक हम लोग सब मिलके लड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें ये खुद करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए ये जुगाड़ का काम, हमें सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली पीपल आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करें, पानी के इशू पे बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। कराची के पहले लोग तो गिन ले, हमने तो लोग ही नहीं गिने हुए, लोग ही आधे गिने। और बहुत सारे लोगों ने कहा ये डिफेंस के लोग है, ये क्लिफ्टन के लोग है। हम आज कराची के लिए आए हैं, ये कायद का शहर, ये कायद का शहर यतीम नहीं है। हम इस शहर के लोग हैं, हम इसके माँ बाप हैं, हम इसके बहन भाई, हमें इसके लिए करना पड़ेगा। हमारी स्ट्रेंथ की शो ना, जब तक कराची की स्ट्रेंथ शो नहीं होगी, जब तक कराची को उसके राइट नहीं मिलेंगे। और आज 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 हमारे लिए खुशी की बात है कि ज्यादा नहीं, थोड़े लोग तो आ गए, लेकिन इस आग को हमें फैलाना है। हमें अपने घरों से निकल के कराची की हक की आवाज बुलंद करनी होगी। आना ये प्रेस क्लब पे 6 सितंबर को, नहीं प्रेस क्लब के सामने 4 बजे मुजाहरा है। सारे कराची वाले आए, देखिए ये तरीके लबैक जो है उनका आज निकला है। यहाँ से ज्यादा लोग थे और वो तो कत्ल की बात करते हैं, वो तो स्टेट को भी नहीं मानते। हम तो स्टेट को मानते हैं, हम तो अपने हक मांग रहे हैं। गद्दार कौन है? हमें वो नहीं है जो लोगों को मारने की बात करते हैं। तो इसलिए प्लीज शो करें 4 बजे प्रेस क्लब पे 6 सितंबर को, और मोबिलाइज करें। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग, जब तक हम लोगों को, जैसे हम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, वैसे ही लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि शहर के लिए बाहर निकलें और आए। अगर हम खुद अपने लिए नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। क्यों? हमें खुद अपनी तकदीर बदलनी पड़ेगी।